ਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧੰਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਵਲ ਜਾਸੀ सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर जिथे दुनिया भर के लोगों का बिना किसी भेदभाव तो स्वागत किया जाता है, जिथे रोजाना लखा ही लोग गुरु का लंगर छकते हैं। उत्थे ही बीते दिनी शनिवार को एक अजिही मंदभागी घटना हुई, जिस बारे जान के ही हर एक इंसान के अंदर गुस्सा और दुख भर गया। शनिवार शाम संध्या वेले सोध रहरा साहिब का पाठ हो रहा सी। सारियां संगतां गुरु घर विच दर्शन कर रही सन, तां अचानक एक इंसान जंगला टप के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल पहुंच गया अते गुरु साहिब दे अगे रखे शस्त्रां विचों तलवार नूं चुके लहराउण लग पिया, पर मौके ते मौजूद सेवादारा वल्लों उस नूं काबू कर लिया गया अते SGPC दी टास्क फोर्स दे हवाले कर दिता गया। जिस तो बाद उसके बयानों तो यह गल सामने आई कि उसनू दिल्ली तो बेअदबी के इरादे नाल भेजा गया सी, पर ओह पागल होने का भी ढोंग कर रहा सी तां कि ओह उत्थों बच के भज सके अते किसे नू भी उसके मालकां बारे कोई जानकारी ना मिले। पर गुरु घर के प्यारिया ने उस इंसान का सौदा लाउण विच जरा भी समा ना लाया अते उस व्यक्ति नू उसे समय सज़ा भी दे दित्ती। पर इस घटना पिछे कौन है अते उसका मकसद की है, यह अजे तक साफ नहीं हो पाया। अगले ही दिन सवेरे 4 बजे के करीब कपूरथला के निजामपुर मोड़ के गुरुद्वारा साहिब विच एक होर नौजवान निशान साहिब के बस्त्रां नाल छेड़छाड़ करता पाया गया, जो कि ग्रंथी सिंघां दे उठन ते उत्थों भज गया, जिसनों अद्धे घंटे बाद पिंड विचों ही लभ के गुरुद्वारा साहिब लिया गया। यह इंसान भी अपने आप नूं पागल दिखा रहा सी अते इंज भी लग रहा सी कि उसने कोई नशा वगैरह किया होया सी, जिस तों पुछताछ तो यही पता लगा कि वह भी दिल्ली तो ही आया सी। बाद विच भड़के लोगों वालों उसनू उसे तरह कुट कुट के मार दिता गया। इस घटना नू जिथे पिंड अते गुरुद्वारे दे लोग बेअदबी दस रहे हन, उत्थे ही पुलिस इसनू चोरी दी घटना नाल जोड़ रही है। इहो जिहियां बेअदबियां दी घटनावां अज तो नहीं वापर रहियां। लोगों दीयां भावनावां भड़काउण लई अते आपसी फुट पाउण लई इहो जिहियां घटनावां नू अंजाम दिता जांदा है। बहबल बेअदबी कांड नूं कौन भुल सकता है। जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी तो बाद रोस प्रदर्शन कर रहे लोगों ते सरकार वालों पुलिस की मदद नाल गोली चलवा दित्ती, जिस विच 2 सिंघां की शहीदी हो गई सी। इस तो बाद भी बेअदबी दीयां कई घटनावां सामने आईयां, जिस विच पावन सरूप साड़े गए अते अंगां नूं भी फाड़िया गया अते पुलिस प्रशासन ने आरोपी नूं पागल दस के बरी करवा दिता। पर किसानी संघर्ष दौरान जदों किसी दोखी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने की कोशिश की तो उत्थे मौजूद निहंग सिंघा ने उसनू उसे समय झटका के पुठा लमका दिता, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थान या धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करने वाले दुष्ट नू सज़ा देना लाजमी है। पर इहो जिहियां घटनावां सुन के दिल दुखदा है कि राजनीति इस कदर गिर गई है कि अपने फायदे लई गुरु घर की बेअदबी करन तो भी पिछे नहीं हटती। संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले तो कहते ही सन के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वाले दोषी नूं सज़ा दे के मेरे को आ जाओ, तुहानू कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उस समय भी बेअदबी दियां काफ़ी घटनावां सामने आ रही सन, जिस कारण संतां ने यह गल कही सी ते अज फिर तो उही काम शुरू हो गया है। यह समा है सुचेत होण दा अते गंदी राजनीति तो बचण दा।